घनश्याम, ये सारा सामान सुमित मैडम की गाड़ी में रखवा दो, ये इनके साथ इनके ससुराल जाएगा। आज वो वक्त आएगी कि मैं सुमित से अपने दिल की बात कहूं, उसे कहूं कि मैं उसे कितना चाहता हूं, अपने घुटनों में बैठ के उसे प्रपोज करूं और कहूं, सुमित आई लव यू। और फिर मैं उसे ये सारी दे दूंगा। श्लोक, अरे अब तो तुम इस घर के जमाई हो ऑफिशियली, अपने साले के गले नहीं लगोगे। शकुन भाभी तो हमारी अपनी थी, कितने मानते थे उन्हें, अभी भी विश्वास ना हो पा रहा है कि उन्होंने ये सब किया है। मम्मी जी, इस दुनिया में किसी भी इंसान का भरोसा नहीं कर सकते, अपने कब पराए हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पराए कब अपनों से बढ़ के कर जाए ये भी तो नहीं कह सकते। हम सब ने सुमित को गलत माना, झूठी माना, अपने परिवार पे ग्रहण माना, लेकिन सुमित बहू ने सच का साथ कभी नहीं छोड़ा। तेरी जिद और जल्दबाजी में तूने बेचारी बिट्टी का दिल भी तोड़ दिया। जा, बिट्टी से भी माफी मांग जाके। चलो हम सब पुरानी बातों को भुलाकर नई शुरुआत करते हैं। श्लोक हमारी बहू को लेके आता ही होगा। छोड़ो मेरे को, छोड़ो मेरे को। जेठ जी, मैंने करोड़पति बन के दिखाना है। ताऊ जी आराम से, बन के दिखाना है तभी मेरा प्यार, मेरी रानी वो मेरे पास आएगी। मैंने करोड़पति बन के दिखाना है। अभी तो अच्छे भले गए थे, क्या हो गया जो उन्होंने इतनी शराब पी ली? वो हम साथ में बाजार गए थे ना, तो ताऊ जी ताई जी से टकरा गए। हे भगवान, वो औरत और कितना कितना परेशान करेगी। एक बार छोड़ के चली गई है ना, तो फिर से मिलने का मतलब क्या है? मैंने करोड़पति बन के दिखाया, मैंने करोड़पति। हाँ बिल्कुल। अभी शगुन भाभी क्यों फोन कर रही है, के काम है अभी? राजीव अंजू, एक काम करना, जेठ जी को अंदर लेके जा। जा। डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।